शौक नहीं मजबूरी है, लाइफ स्टाइल जरूरी है। शौक नहीं मजबूरी है, लाइफ स्टाइल जरूरी है। ना होगी शादी ना होगी बर्बादी, ना होगी शादी ना होगी बर्बादी, ना होगी। सर शादी जो है पुरुष के लिए अब बहुत बड़ा खतरा बन गया है। अगर आपको अपनी संपत्ति, अपना परिवार, अपना स्वास्थ्य, अपना सुख तक, अपना जो स्वाभिमान है, अगर इसको रिस्क पे रखना है, इसको खतरे पे डालना है, तो आप शादी कीजिए। एक औरत आएगी जो जब चाहेगी आपकी संपत्ति ले जाएगी, आपको जेल भेज देगी, आपके माँ बाप को जेल भेज देगी। तो ऐसे माहौल में एक पुरुष कैसे शादी करेगा? ये इस बात को सर ये कैसे प्रूव करा जाएगा कि महिला का पति उसके साथ जबरदस्ती कर, बंद कमरे के अंदर अगर कोई बात हो रही है या मियां बीवी के बीच में संबंध बन रहे हैं, तो उस चीज को कैसे बताया जाएगा कि ये कंसेंट वाला संबंध बने हैं या बिना कंसेंट के संबंध बने? इस ये जबरदस्ती की डेफिनेशन को कैसे प्रूव करा जाएगा? महिला कैसे जस्टिफाई करेगी और पुरुष उसको कैसे उसको अपने सेफ्टी के लिए देखे आएगा? ये महिलाओं के फेवर में नहीं है। जितनी ये कानून है इसका मिसयूज होगा और जो क्रिमिनल जो माइंडेड लोग हैं वो इसका मिसयूज भारतीय परिवारों को तोड़ने के लिए करेंगे। जो टीवी और दहेज जैसे केसों में ऑलरेडी हुआ है, दहेज के केसों में महिलाएं सबसे ज्यादा जीत गई। एक चार दीवारी के अंदर दो मियां बीवी के बीच कोई झगड़ा हो गया, कोई तनाव हो गया, किसी को सेक्स करने का मन नहीं था, सेक्स हो गया या फिर नहीं भी हुआ, झूठा मूठा किसी ने केस डाल दिया, हाउ विल यू प्रूव इट? कैसे एक क्या रिकोर्स आप दे रहे हैं पुरुष को? यहाँ पे ऑलरेडी डाउरी का कानून, डोमेस्टिक वायलेंस का कानून का इतना दुरुपयोग हो रहा है, रेप कानून का ऑलरेडी इतना दुरुपयोग हो रहा है। एटलीस्ट रेप कानून में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देखे जाते हैं, कहा हुआ था, क्या हुआ था, कौन था, कौन नहीं था, सीसीटीवी। अब क्या आप बेडरूम में सीसीटीवी लगाएंगे या फिर सेक्स करने से पहले कॉन्सेंट फॉर्म साइन कर रहे हैं? अब ये प्रोविजन तो अप्लाई ही नहीं। उसके बावजूद आप मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने की बात करें। एक बार मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज हो गया तो ये जो ऑलरेडी पैसे का लेन देन का सेटलमेंट का खेल चल रहा है डाउरी और डोमेस्टिक कानून के तहत, ये ऑलरेडी जो 50 पे चल रहा है वो 100 का नंबर पकड़ेगा, 200 का नंबर पकड़ेगा। ऑलरेडी इसके अंदर डोमेस्टिक वायलेंस जो है उसके अंदर ये सब कवर हो रखा है ऑलरेडी। और इसके अलावा डिवोर्स का भी जो प्रोसीजर है उसके अंदर भी क्रुएल्टी और ये सब चीजें जहाँ पर ला सकती है जी। उसके अंदर मेडिसिन होता है, लेकिन यहाँ पर मेडिसिन की जगह यहाँ पर सीधा रेप के अगेंस्ट इसको चार्ज पे बुक किया जाएगा। पुरुषों को दिखाया जा रहा है मीडिया में कि सारे पुरुष राक्षस हैं और सारी महिलाएं सीता हैं। मेरे ख्याल दोनों एक्सट्रीम है, दोनों चीजें गलत है, नहीं बीच की बात है। जो पहले से ही इतनी ज्यादा कानून एक तरफा है, अगर उन्हें कानून बोला जाए, क्योंकि कानून के तहत एक जरूरी है कि दोनों पक्ष को समान अधिकार मिले, जो कि नहीं है। अब उन्हीं कानूनों को और ज्यादा जहरीला बनाया जा रहा है, क्योंकि एक कमरे के अंदर अगर पति पत्नी एक बिस्तर पर सोते हैं और सुबह पत्नी उठ के ये बोल देती है कि मेरा रेप हुआ है, तो पति के पास कोई तरीका नहीं है। उसकी फैमिली खत्म है, उसके माँ बाप सड़कों पे हैं, उसका जॉब खत्म है, उसका बिजनेस खत्म है, एंड व्हाट द वुमन विल गेट? अगर बच्चे हैं तो बच्चे खत्म है, वुमन विल गेट प्रॉपर्टी एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स आउट ऑफ इट। फिर अगर ये कानून आ गया तो ये पुरुषों की जो प्रजाति है उसके लिए खतरा है। इसके आने के बाद पुरुष की जो प्रजाति है बिल्कुल विनाश हो जाएगा उसका। हर घर में पुरुष के ऊपर बलात्कार के इल्जाम लगेंगे और उनको जेल में जाना पड़ेगा। खाली पुरुष के साथ साथ उसकी माँ बहन एक लेडीज के लिए भी एक खतरा है, क्योंकि इस कानून में ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष तो जाएगा ही जाएगा, उनकी बहन माता और कोई भी लेडीज है उनको भी गैंगरेप में मतलब शामिल किया जा सकता है। तो अगर ये कानून किसी भी तरीके से आ गया तो ये पुरुषों की प्रजाति के लिए तो घातक है ही, साथ में उनके परिवारों के विनाश का भी कारण बनेगा। पत्नी का मन नहीं है, पति ने कर लिया तो मैरिटल रेप कहलाएगा, लेकिन अगर पति का मन नहीं है, पत्नी ने किया तो वो मैरिटल रेप नहीं कहलाएगा, वो डीवी में डोमेस्टिक वायलेंस कहलाएगा, वो नपुंसक कहलाएगा पति, और उस नपुंसक के आधार पर फिर वो डाइवोर्स मांगा जाएगा। सेक्स अगर पति ने मर्जी से किया तो भी उसकी गलती है, उसने बिना मर्जी किया तो भी उसकी गलती है। इस कानून से एकदम फ्री लाइसेंस मिल जाएगा मिसयूज करने के लिए वुमेन को, कि वो किसी भी फैमिली को जिसमें उसकी शादी हो रही है उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकती है। बिकॉज इससे पहले जो डोमेस्टिक वायलेंस थी वो एक मारपीट की क्राइटेरिया कैटेगरी में आती थी, रेप इज स्टिल अ मतलब बैड क्रिमिनल इमेज, और ये मैरिज रेपिटल मैरिटल रेप जो चार्जेस होंगी वो कहीं ना सिर्फ ना केवल इमोशनली बट फैमिली का जो एक रिस्पेक्टिव इमेज है वो भी डिस्ट्रॉय करेगी। आज के डेट में मेरे हैंड्स में ये 90,000 मेल सुसाइड हैपेंस एवरी इयर्स, इट बी कम्स अप टू 9 लाख। अगर ये लॉ एप्लीकेबल होता है आने वाले समय में, डेफिनेटली आई एम 100% श्योर कि ये नंबर 19,000 से 9 लाख तक जाए।